नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की 100 बड़ी खबरों से। सना मकबूल हुई खतरों के खिलाड़ी से बाहर, विक्टिम होते ही लिखा ये पोस्ट। 11 के साथ खुले SNSX निफ्टी, शुरुआती कारोबार में शेयर लुढ़के। पत्नी सुनीता ने सबके सामने कहा, आज चूम कर देख ले, ये सुनकर शर्म से लाल हुए गोविंदा। सितंबर में भारत को मिलेगा स्विस बैंक में जमा काले धन के डिटेल का तीसरा सेट, रियल एस्टेट की जानकारियां पहली बार मिलेंगी। डायबिटीज के मरीजों की क्यों रोजाना सुबह 3 बजे टूटती है नींद। आज घोषित हो सकते हैं फाइनल और फाउंडेशन चार्टर्ड अकाउंट परीक्षाओं के नतीजे। जोमैटो से मात्र 15 मिनट में मिलेगा खाना, लोकल मार्केट से कीमत होगी बेहद कम। यूपी में 8वीं पास को मिलेगी प्रतिमा 18,500 की नौकरी, जानिए क्या होगी पात्रता, कैसे होगा आवेदन। प्रिंसिपल डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंदा ने बताया कि कोरोना काल में भी कैसे मिरांडा हाउस कॉलेज बना रहा नंबर 1। यूपी में स्वच्छता को आदत ना बना पाने की कीमत, बुखार और डेंगू की चपेट में हजारों लोग। यहां पढ़ाई से पहले परीक्षा दे रहे बच्चे, कभी पहाड़ी तो कभी सड़क किनारे पढ़ने को मजबूर। उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी गर्मी, मैदान में सक्रिय सभी राजनीतिक दल। मार्बल पच्चीकारी के हुनरमंद हो गए खाली हाथ, धीरे धीरे छोड़ रहे परंपरागत पेशा। बाबे नानक दाबिया, वह कच्ची दीवार जिसके पास बैठे गुरुजी ने विवाह की रस्म पूरी की थी, आज भी है सुरक्षित। ट्रेनों का समय पालन सुनिश्चित करने की दिशा में रेलवे को उठाने चाहिए समुचित कदम। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए चुनी गई भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ये है खासियत, आप भी जानिए। KGMU में जरूरतमंदों को मिल सकती है मुफ्त MRI की सुविधा, कुलपति ने शासन से मांगी नई मशीन। चिड़ियाघरों के मुकाबले जंगलों में क्यों हो जाते हैं वन्य जीवों की आयु, जाने। दुनिया के किसी कोने से तालिबानी कृत्य की नहीं सुनाई पड़ रही निंदा, विश्व बिरादरी का मौन दुर्भाग्यपूर्ण। आंदोलन में गुम हुआ कृषि सुधारों का संदेश, किसानों को बरगला कर किया कानूनों पर बखेड़ा। अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच जम्मू कश्मीर में चौकसी बढ़ाने का समय। तेज बारिश के इन इलाकों में बनेगी आफत, आने वाले दिनों में मौसम विभाग देगा सटीक जानकारी। ट्रक ने सिंगल चार्ज में दिया सबसे अधिक 1,099 किलोमीटर की रेंज। स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो के लिए MG एस्टर में होगा JioSaavn, 15 सितंबर को उठेगा इससे पर्दा। आगामी त्योहारी सीजन से होंडा और हुंडई जैसी कार निर्माता कंपनियों को है बड़ी उम्मीद, सामने आई ये जानकारी। साल खत्म होने से पहले भारत में दस्तक देंगी ये धांसू SUV, लिस्ट पर एक बार नजर डाले जरूर। एक्ट्रेस कृति सेनन ने खरीदी मर्सिडीज मेबैच GLS 600 कार, जानिए कितनी लग्जरी है ये SUV। Hyundai i20 N-Line दमदार, तेज तर्रार और मजेदार। इंग्लैंड से कब रवाना हो सकते हैं कोरोना संक्रमित पाए गए कोच रवि शास्त्री और अन्य लोग, जानिए। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे विराट कोहली, ये दिग्गज संभालेगा कमान। घोषित हो सकते हैं फाइनल और फाउंडेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं के नतीजे, ICAI exam.icai.org पर रखें नजर। चौथे चरण की JEE मेन परीक्षा के नतीजों की घोषणा जल्द, NTA जारी करेगा उम्मीदवारों की रैंक। JEE एडवांस परीक्षा के लिए आज इस समय से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन, जाने आखिरी तारीख। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, चेक करें अपडेट।
इस साल कब है विश्वकर्मा पूजा, जाने तिथि, पूजा मुहूर्त एवं महत्व। गोवा में केरल के यात्रियों के लिए 5 दिनों तक क्वारंटाइन हुआ अनिवार्य, यात्रा करने से पहले जान ले नियम। गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स निफ्टी, शुरुआती कारोबार में शेयर लुढ़के। गोविंदा कृष्णा विवाद में कूद पड़ी कश्मीरा शाह ने किया पलटवार, बोली ये सुनीता कौन है। क्या वजन घटाने में सच में कारगर साबित होता है सौंफ का पानी। राधा रानी का जन्मोत्सव, जाने पूजा का मुहूर्त और महत्व। गोली व सिरप बिना पिए गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग से छुटकारा, बस इन 4 योगा सुनो द्वारा। 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत, आज से प्रारंभ, धन समृद्धि और संपदा से भर जाएगा घर। 13 सितंबर 2021 का राशिफल, सिंह राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी। दिल की बीमारियों से बचना है तो आज से ही शुरू कर दें मूंगफली खाना। रायबरेली का दौरा रद्द कर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, लखनऊ से नई दिल्ली रवाना। पीएम नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ को देंगे सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर लेंगे तैयारियों का जायजा। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल, भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई व जन सुनवाई नहीं। मेरठ में प्रेमिका को पाने के लिए दोस्त को मार डाला, ऐसे हुआ खुलासा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले चुनाव लड़ना एक दिन की बात नहीं, सतत प्रयास का नतीजा होता है। अब ईओडब्ल्यू करेगा जेएनएन, यूआरएम और केडीएम में घोटाले की जांच, 1 करोड़ से ज्यादा का है मामला। बीएसपी मुखिया मायावती का सरकार पर तंज, बोली बाढ़ पीड़ितों को अधिकांश मदद कागजी, बसपा के लोग करें मदद। मेरठ में कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके रमेश ढींगरा ने कांग्रेस को कहा अलविदा। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा की माइक्रो प्लानिंग तैयार, प्रसिद्ध मंदिरों व दरगाहों पर भी जाएंगे नेता। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है, आभासी मुद्रा को समझने का समय। जानिए क्यों बेचैन है नोएडा ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले। रिवॉल्वर के साथ वीडियो से सुर्खियों में आई यूपी पुलिस की लेडी कांस्टेबल का इस्तीफा मंजूर, इंस्टाग्राम पर बड़े फॉलोअर्स। टुकड़े टुकड़े में बिक रही लोहिया मशीन्स लिमिटेड की संपत्तियां अब तक हो चुकी 20 नीलामी। चिता को एक तक निहारती रही पत्नी, बिलखते हुए बोली तुमने तो किया था 7 जन्मों का वादा। हाथों में सता रही क्वार से धूप, 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा तापमान। हैवानियत की हदें पार, खोलते हुए तेल में हाथ डालकर जलाया, धारदार हथियार से हमला किया और हुआ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में हिस्ट्री शीटर की हत्याकांड में एक और आरोपित नामजद, रेकी और मुखबिरी करने पर FIR दर्ज, वर्चस्व को लेकर हुई हत्या। लखनऊ के अवैध गोदामों में छापेमारी, भारी मात्रा में नकली डीजल पेट्रोल बरामद। छोटे भाई पर बड़े भाई ने देशी बम से किया हमला, कामयाब नहीं होने पर चाकू से गोदा। लखनऊ में उल्टी दिशा से आ रहे कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस को सरेना पीटा, मोबाइल भी तोड़ा और गिरफ्तार हुआ। मुंगेर बिहार पंचायत चुनाव 2021, चुनाव की तैयारी में जुटे दावेदार, जीतने के लिए अपना रहे हथकंडा। तब एक झटके में टूट गई थी लालू रघुवंश की दोस्ती, एक नहीं कई थे कारण। भागलपुर की छात्रा की शिकायत सुन चौंके नीतीश कुमार, जनता दरबार में पूरे बिहार से पहुंचे छात्र छात्रा। औरंगाबाद में प्रेमी के साथ फरार हुई विवाहिता, पति ने लगाया अपहरण का आरोप। IIIT भागलपुर, अब यहाँ नहीं घुसेगा बाढ़ का पानी, बचाव के लिए बनाए गए यारों। आजादी के अमृत महोत्सव पर SSP जवानों की साइकिल रैली पूर्व चंपारण से रवाना। 50,000 रुपए की टी शर्ट पहनने पर ट्रोल हुई करीना कपूर, लोग बोले इतने में तो 500 खरीद ले। सबका संकल्प नहीं और विकल्प, जबकि वायरस से लड़ने के कारगर है मौजूदा वैक्सीन। क्या आपका मोबाइल और लैपटॉप बना रहा है आपको वक्त से पहले बूढ़ा।
इस लेटेस्ट वीडियो में काफी स्मार्ट देखे अर्जुन कपूर, फिदा हुई मलाइका अरोड़ा ने किया कमाई। बिग बॉस ओटीटी में इस हफ्ते घर से बेघर हुई कंटेस्टेंट, घर वालों ने किया एलिमिनेट। रिया कपूर और हनीमून पर बिकनी बॉडी फ्लॉन्ट कर हुई ट्रोल, लोग बोले कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। मुन्नू दत्ता के साथ अफेयर की खबरों पर सामने आए राज अंधकत, इस बात के लिए नेटिजंस को लगाई फटकार। 3000 लड़कियों को ऑडिशन लेने के बाद महिमा चौधरी बनी थी शाहरुख खान की हीरोइन, एक्ट्रेस ने ऐसे बनाई पहचान। भाजपा कार्यकर्ता मेहनत और मन से समर्पित होकर करते हैं पार्टी की सेवा, यह कहना है सिद्धार्थन का। यूपी बॉर्डर पर फिर बढ़ सकती है किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या। ईडी ने आम आदमी पार्टी को भेजा नोटिस, राघव चड्ढा पत्रकार वार्ता कर देंगे जवाब। एनएसयूआई ने पास किया राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन सभी के लिए संदेश, भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ साफ छवि ही पर्याप्त नहीं, यह भी जरूरी। सोनिया गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के लिए बनाई राजनीतिक मामलों की समिति, मणिकम जयगोर होंगे समिति के अध्यक्ष। 18 और 19 सितंबर की हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 5000 पदों के लिए आवेदन, 15 सितंबर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भर्ती। दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में भरने के लिए चलेगा अभियान, जाने शर्तें। रामेश्वर उरांव का विरोध करेंगे झारखंड के शिक्षक, 14 को काला बिल्ला लगाकर करेंगे प्रदर्शन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र, बोले किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, शाखाओं में मुस्लिमों का किया स्वागत। हरियाणा में आवेदन के बावजूद HCS एग्जाम देने नहीं पहुंचे 73,000 युवा, 74,978 आवेदक बैठे परीक्षा में। हरियाणा में 16 सितंबर से बीएड की परीक्षा ऑनलाइन, परीक्षा में अब ऐसे रोकी जाएगी नकल। केबीसी में आएंगे नीरज चोपड़ा, हरियाणवी में सुनाया बिग बी का डायलॉग। सिरसा में 3 दिन चलेगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 75,000 को डोज लगाने का लक्ष्य। चावल घोटाला से जल्द उठेगा पर्दा, खुलेगी हैफेड में बैक एंट्री की पोल। कोरोना से मुकाबले के लिए तेलंगाना में प्रतिदिन 3 लाख लोगों को लगाया जाएगा टीका। JKK में सस्टेन बाय कार्टिस्ट एग्जीबिशन के माध्यम से कार्टिस्ट जयपुर ने सस्टेनेबिलिटी का महत्व समझाया। निया शर्मा ने क्लब में किया 2 घूंट पर जोरदार डांस, लोग बोले दीदी क्या हो गया। यूपी में 50 साल या उससे अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का दावा भ्रामक। पंजाब कांग्रेस में अब सीएम चेहरे को लेकर खींचतान, विधायक ने कहा चुनाव में कैप्टन की जगह सिद्धू हूं फेस। विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा, सौदे में गड़बड़ी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के लिए जांच की मांग। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।